गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, SGM पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम क्लास सेकंड सब्जेक्ट साइंस चैप्टर थर्ड डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है, घरेलू जानवर। वी कीप सम एनिमल्स विथ अस इन आवर हाउसेज और इन द फार्म। कुछ एनिमल होते हैं जो हमारे साथ घर में रहते हैं और फार्म पे भी रहते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, और इन्हीं एनिमल को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, मतलब घरेलू जानवर कहते हैं। यूजफुल एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल आर यूजफुल एनिमल टू अस इन मैनी वेज। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं बहुत सारे वेज में। सम एनिमल्स आर सोर्स ऑफ अवर फूड, और कुछ एनिमल होते हैं वो हमारे भोजन के स्रोत होते हैं। दे आल्सो हेल्प्स अस इन डूइंग अवर वर्क, और वे हमें अपना काम करने में मदद भी करते हैं। फर्स्ट, एनिमल्स गिव्स अस फूड, जानवर हमें भोजन देते हैं। फर्स्ट, मीट, एनिमल लाइक गॉट, हैन, फिश गिव्स अस मीट। जो गॉट होती है, हैन होता है और फिश होती है, वो हमें क्या देती है, मीट देती है। नेक्स्ट है एग, वी गेट एग फ्रॉम हैंस एंड डक्स, और जो हैन और डग होती है वो हमें क्या देती है, एग्स देती है। नेक्स्ट है मिल्क एंड मिल्क की मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट। बी गेट मिल्क फ्रॉम काउस गॉट एंड बफेलोज, वे हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, कौन कौन से, काउस गॉट एंड बफेलोज। मिल्क इज़ अ हेल्दी ड्रिंक, मिल्क होता है वो हेल्दी ड्रिंक होता है। मिल्क इज आल्सो यूज टू मेक मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़, बटर, घी, कर्ड। और मिल्क क्या करता है, हमें बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट भी देता है, चीज़ हो गया, बटर हो गया, घी, कर्ड। नेक्स्ट है हमारा हनी, वी गेट हनी एंड बीज वैक्स फ्रॉम हनी बीज, हमें क्या, हनी प्राप्त होता है और बीज वैक्स फ्रॉम हनी बीज, और हनी बीज से हमें क्या होता है, बीज वैक्स, ठीक है। हनी हैज ए मेडिकल यूज़, और जो हनी होता है वो क्या होता है, मेडिकल यूज़ होता है उसका। एंड इट इज़ यूज एज ए स्वीटनर, और इसे स्वीटनर के रूप में भी यूज़ करते हैं। बीज वैक्स इज़ यूज टू मेक कैंडल्स, और बीज वैक्स से क्या बनते हैं, कैंडल भी बनाए जाते हैं। क्लॉथ फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से कपड़े, बूल, वूलन क्लॉथ, वी गेट वूल फ्रॉम सीप, कैमल एंड याक। जो हमारे वूलन क्लॉथ होते हैं वो हमारे सीप, कैमल और याक से मिलते हैं। वूल इज स्पन इनटू अ फाइबर्स एंड द फाइबर्स आर निक्ट एंड वूवन टू मेक वूलन क्लॉथ। जो हमें फाइबर और फाइबर को बुन के, काट के जो हमारे क्लॉथ होते हैं उनको बनाए जाते हैं, वूलन क्लॉथ को बनाए जाते हैं, उनके काट के क्या करते हैं, सूती धागे को काट के बनाए जाते हैं, या सीप के उसको काट के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सिल्क, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। द सिल्क फाइबर और थ्रेड ऑब्टेंड फ्रॉम सिल्क वॉर्म इट वूवन इनटू अ सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर को बुन के, काट के हम सिल्क फाइबर को तैयार करते हैं। द फैब्रिक इज़ देन यूज टू मेक स्कर्ब एंड सारीज, और इसका उपयोग हम किस किस में करते हैं, स्क्रैब्स और सारीज बनाने में करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लेदर, बी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन लाइक टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नैक। जो हमारा लेदर होता है वो हम किससे मिलता है, मैं टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नैक्स। लेदर इज़ यूज टू बैग्स, बेल्ट, शूज एंड जैकेट, और लेदर का यूज़ हम बैग्स बनाने में, बेल्ट को बनाने में, शूज और जैकेट को बनाने में करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फार्म एनिमल्स, फार्म एनिमल्स क्या होता है, बी कीप सम एनिमल्स इन द फार्म, कुछ जानवरों को हम फार्म पे भी रखते हैं। दे आर कॉल्ड फार्म एनिमल, उनको हम क्या कहते हैं, फार्म एनिमल कहते हैं। दे हेल्प इन कैरिंग, दे हेल्प इन कैरिंग लोड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, और वे हमें कैरी को लोड करने में और पीपल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ले जाने में मदद करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन द फील्ड वर्क, वे हमारे फील्ड वर्क में भी मदद करते हैं। एनिमल्स इज लाइक वुल्लॉक्स एंड आर यूज टू प्लग द फील्ड, एनिमल्स लाइक हॉर्स, डंकी एंड कैमल आर यूज टू कैरी पीपल लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। और जो हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं वो लॉक्स हो गए, ठीक है, वो क्या करते हैं, फील्ड में खेत को जोतने में मदद करते हैं। और कुछ जानवर होते हैं, हॉर्स, डंकी और कैमल,
वो हमारे सामान को एक जगह से और पर्सन को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। कैटल डंग कैन आल्सो यूज टू मैनुअर टू ग्रो क्रॉप्स। और जो कैटल डंग होता है उससे क्या हम अपने जो गेहूं होता है, जो अनाज होता है, उसको क्रॉप्स होते हैं उनको उगाने में बहुत मदद मिलती है। इट आल्सो यूज टू फ्यूल टू मेक फायर टू कुक फूड इन द ब्लेजेस। और हम क्या करते हैं, इनका यूज़ अब गांव में क्या करते हैं, खाना पकाने के लिए भी करते हैं।